हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइव स्टडी। तो आज हम नेक्स्ट कंप्यूटर के एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है वॉर्म, जिसका फुल फॉर्म है राइट वंस रीड मैनी रिलेटेड विथ। ठीक है, इसका डायरेक्टली पूछा है कि जहाँ पे हम कौन सी ऐसी मेमोरी है जहाँ पे हम एक बार राइट कर सकते हैं और मल्टीपल टाइम इसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो हार्ड डिस्क तो इसका आंसर नहीं होगा, ना ही तो सॉलिड स्टेट ड्राइव होगा, क्योंकि इसमें हम डाटा इंसर्ट भी करते हैं और डाटा फेच भी करते हैं, मतलब डालते भी और लेकर भी आते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट राइट आंसर है वो है सीडी रोम। ठीक है, कि रोम में हम क्या करते हैं, एक बार राइट करते हैं और उसको मैक्सिमम मल्टीपल टाइम क्या करते हैं, रीड करते हैं। तो इसका एग्जैक्ट सीडी रोम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इन सर्च इंजन विच सिंबल इज यूज एज अल्टरनेटिव टू बुलियन एंड ड्यूरिंग सर्च। ठीक है, जैसे हम डिजिटल में पढ़ते हैं एंड और नॉट गेट। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जब सर्च इंजन में हमें एक एग्जैक्टली सर्च फाइंड करना था तो हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं। ठीक है, उसके लिए याद रखना हम यूज करते हैं प्लस का सिंबल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, 5G इज बेस्ड ऑन। ठीक है, जो अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है फिफ्थ जनरेशन, वो पूछा है कि किसके ऊपर बेस है। फर्स्ट आ गया DHCP, ठीक है ये गलत है। फिर सेकंड आ गया DSS, ये भी गलत है। फिर थर्ड आ गया OFDM, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इन DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम विच फंक्शन इज डील विद रिमूविंग लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेसेस इन स्ट्रिंग। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अब मुझे मेरे पास मान लो कोई स्ट्रिंग है XYZ नाम की कोई स्ट्रिंग है, अब मुझे इसके इस साइड और इस साइड की जो एक्स्ट्रा स्पेसिस है उसको रिमूव करना है। ठीक है, तो मैं कौन सा फंक्शन यूज करूंगा। ठीक है, तो उसके लिए हम फंक्शन यूज करते हैं ट्रिम फंक्शन। ठीक है, अगर इन्होंने पूछा था कि अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ जो लीडिंग है, मतलब इस तरफ के अगर स्पेसेस को रिमूव करना है तो मैं यूज करता एल ट्रिम फंक्शन। ठीक है, और राइट साइड के पूछता तब मैं यूज करता आर ट्रिम। पर इसने पूछा है कि हमें रिमूव करना है लीडिंग के प्लस और ट्रेलिंग की, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, ट्रिम फंक्शन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द IEEE स्टैंडर्ड फॉलोड बाय WiMAX। डायरेक्टली पूछा है कि WiMAX का IEEE स्टैंडर्ड क्या है। ठीक है, तो IEEE स्टैंडर्ड WiMAX का है हमारा 802.16। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा 802.11 ये वाईफाई का है, 802.15 हमारा ब्लूटूथ का है, और 802.3 हमारा ईथरनेट का है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, माइक्रोवेव्स आर। ठीक है, यहाँ पे पूछा है माइक्रोवेव्स जो हमारे सिग्नल है वो किस तरह के होते हैं, यूनि डायरेक्शनल होते हैं, बाई डायरेक्शनल होते हैं, गाइडेड होते हैं, या फिर ऑल ओवर दिस। ठीक है, इसको याद रखना, जो हमारे माइक्रोवेव्स जितने भी हमारे सिग्नल आते हैं या हमारे यूनि डायरेक्शनल के अंदर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ रेडियो वेव। ठीक है, रेडियो वेव की जो फ्रीक्वेंसी उसकी रेंज पूछी है। फर्स्ट ऑप्शन आ गया 3 किलोहर्ट्ज से लेके 1 गीगाहर्ट्ज। सेकंड आ गया 1 गीगाहर्ट्ज से लेके 2.5 गीगाहर्ट्ज। थर्ड आ गया 1 किलोहर्ट्ज से लेके 5 गीगाहर्ट्ज। और फोर्थ आ गया हमारा 3 गीगाहर्ट्ज से लेके 5 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर है 3 किलोहर्ट्ज से 1 गीगाहर्ट्ज, ऑप्शन नंबर 1। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच वेव्स आर यूज फॉर रिमोट एंड टीवी कम्युनिकेशन। ठीक है, जैसे हम घर में रिमोट और टीवी, मतलब रिमोट से टीवी एक्सेस करते हैं, तो किस तरह की वेव्स हम यूज करते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट रेंज वेव हम बोलते हैं इंफ्रारेड को, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच फाइल फॉर्मेट सपोर्टेड ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी कौन सी फाइल फॉर्मेट सपोर्ट करती है। ठीक है, तो याद रखना जितनी भी हमारी PNG फाइल्स हैं, ठीक है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स बोलते हैं जिनको, ये सारी सारी सपोर्ट करती है ट्रांसपेरेंसी को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इन द क्लास, ठीक है, क्लास का नाम बताना है, द फर्स्ट 4 bits आर ऑलवेज टर्न ऑन एंड 1 bit इज टर्न ऑफ इन द IP एड्रेस। ठीक है, इसका मतलब है कि वो कौन सी क्लास है जिसमें स्टार्टिंग की जो 4 bits होती हैं वो ऑन स्टेज में होती है, मतलब 1 में होती है, जो नेक्स्ट होती है वो होती है 0 में। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी क्लास होती है, ये होती है हमारी क्लास E। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, DIR एट्रीब्यूट इज यूज विद विच ऑफ द फॉलोइंग टैग। ठीक है, DIR टैग एट्रीब्यूट पूछा है, ये मतलब किसके साथ यूज करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है स्क्रिप्ट, सेकंड आ गया HTML, थर्ड ऑप्शन आ गया हमारा बॉडी, फोर्थ ऑप्शन आ गया हमारा हेड टैग। ठीक है, तो याद रखना जब भी हम DIR की बात करते हैं
तो डी आई आर टैग हम एट्रीब्यूट यूज करते हैं एच टी एम एल टैग के अंदर, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, अगर हमें कॉन्टेंट लेफ्ट से राइट लिखना है, ठीक है, हम डी आई आर के अंदर दो वैल्यू सेट करते हैं, एल टू आर या फिर आर टू एल। इसका मतलब होता है जो हमारा कॉन्टेंट डिस्प्ले होगा वो राइट से लेफ्ट की तरफ होगा या लेफ्ट से राइट की तरफ होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, जी आई एफ इज फॉर्म्ड अप टू फिल इन द ब्लैंक कलर्स इन द आर जी बी कलर स्पेस, ठीक है। डायरेक्टली बोलने का मतलब है कि जो हमारी जिफ इमेजेस होती हैं उसमें कितने कलर से वो मिलकर, मतलब उसका कलर स्पेस कितना होता है, ठीक है। तो उसका कलर स्पेस होता है हमारा 256, ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, द डिफॉल्ट कलर ऑफ ए लिंक एट्रीब्यूट इज, ठीक है। अब ए लिंक एट्रीब्यूट हम जो लिंक्स वगैरह पढ़ते हैं, हम एंकर टैग में पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है डायरेक्टली कि जो उसका ए लिंक एट्रीब्यूट है उसका जो डिफॉल्ट कलर है वो क्या होता है, ठीक है। अब ए लिंक का मतलब है एक्टिव लिंक, ठीक है। जब भी हम एक्टिव लिंक की बात करते हैं तो उसका कलर आता है हमारा रेड, ठीक है। जब हम फर्स्ट टाइम किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं तो उसका कलर आता है हमारा ब्लू, ठीक है। और जब हमें उसको लीव कर देते हैं तो उसका कलर आता है हमारा पर्पल, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा रेड। फिर नेक्स्ट आ गया, द डिफॉल्ट साइज ऑफ अ हॉरिजॉन्टल रूल, ठीक है। जो हम बेसिकली एच आर टैग यूज करते हैं, ठीक है, इसकी डिफॉल्ट साइज पूछा है, इसका डिफॉल्ट साइज कितना होगा वो पूछा है, ठीक है। तो डिफॉल्ट साइज होता है इसका 3 पिक्सल, ठीक है। तो इसका आंसर नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब लैंग्वेजेस आर यूज टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशन डिलीटिंग रिलेशन एंड रिलेटिंग स्कीमा, ठीक है। मतलब ये तीन पूछे हैं कि कौन सी लैंग्वेज डील करती हैं। सबसे पहले आ गया डीएमएल, ठीक है। डीएमएल हम यूज करते हैं डाटा मैनिपुलेशन के लिए, ठीक है। जब यहाँ पे हमें कोई इंसर्ट करना हो, ठीक है, या फिर कोई डाटा अपडेट करना हो, वहाँ पे यूज करते हैं हम डीएमएल, ठीक है। तो ये स्कीमा से रिलेटेड नहीं है तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी हम स्कीमा से रिलेटेड कोई भी लैंग्वेज की बात करते हैं तो हम बात करते हैं डीडीएल की, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज की, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्यूरी का मतलब होता है हमें कोई चीज हमें फेच करनी है, लेकर आनी है, तो उसको हम क्यूरी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, बी करेक्ट आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आ गया, इन आरडीबीएमएस, ठीक है, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, विच इज द आर्गुमेंट वैल्यू पास्ड इनसाइड द कैर फंक्शन, ठीक है। अब इसका बोलने का मतलब है जो हमारा कैरेक्टर फंक्शन होता है, ठीक है, जो हम डीबीएमएस में यूज करते हैं, इसके अंदर हम कौन सी वैल्यू पास करते हैं जिसका हमें इक्विवेलेंट आंसर मिलता है, ठीक है। जैसे मान लो इसके अंदर मैं वैल्यू पास करूँ 65, तो उसमें मुझे आंसर मिलेगा ए, ठीक है। तो उसने पूछा कि हम किस तरह की वैल्यू इसमें पास करते हैं आर्गुमेंट में, तो उसका आंसर आएगा इंटीजर, कि हम इंटीजर वैल्यू पास करते हैं। तो कैरेक्टर फंक्शन क्या करता है, किसी भी इंटीजर वैल्यू का क्या करता है, हमें उसकी स्काई वैल्यू प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इसकी 65 की स्काई वैल्यू थी कैपिटल ए, तो हमें रिटर्न में देगा कैपिटल ए, उसका आंसर आएगा इंटीजर। फिर नेक्स्ट आ गया, व्हाट इज सी यू आर डेट फंक्शन रिटर्न, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा है करंट डेट फंक्शन जो हम डीबीएमएस में यूज करते हैं बेसिकली वो क्या रिटर्न करता है, ठीक है। तो जो करंटली कोई डेट रिटर्न करता है, जैसे मान लो कोई डेट ऐसी है, ठीक है, तो उस टाइम की ये करंट डेट है उस सिस्टम की, तो ये हमें वो रिटर्न में देगा, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा रिटर्न करंट डेट एंड टाइम, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन आ गया रिटर्न करंट डेट इन करेक्टर, सेकंड आ गया रिटर्न करंट डेट एंड न्यूमेरिकल, फोर्थ आएगा रिटर्न करंट टाइम, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ पे करंट डेट एंड टाइम लिखा है, ठीक है, पर यहाँ पे टाइम की बात तो होती नहीं है। सेकंड लिखा है रिटर्न करंट डेट इन करेक्टर, ठीक है, करेक्टर्स में भी रिटर्न नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये सारी के न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आएगा, रिटर्न करंट डेट इन न्यूमेरिकल। फिर नेक्स्ट आ गया, द करेक्टर बेस्ड नेमिंग सिस्टम बाई विच सर्वर्स आर आइडेंटिफाइड, ठीक है। अब इसका डायरेक्टली मतलब है कि सर्वर्स आइडेंटिफाई करती हैं कि एक सर्वर मतलब रिमोटली सर्वर पे जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने कोई वेबसाइट सर्व की, ठीक है, जैसे मैंने सर्व किया www.google.com, ठीक है, तो इसका क्या होता है, जो आईपी एड्रेस जनरेट होता है, ठीक है। आईपी एड्रेस मतलब वो देखता है कि ये कौन से सर्वर पे मुझे जाना है, ठीक है। तो जो भी इस चीज का कन्वर्जन करता है उसको हम क्या बोलते हैं, डीएनएस सर्वर, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा डीएनएस, डोमेन नेम सर्वर। नेक्स्ट आ गया, इन विंडोज 10 व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर ओपनिंग क्लिपबोर्ड, ठीक है। क्लिपबोर्ड को जब ओपन करना होता है तो उसके लिए हम कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं, तो इसका आंसर आएगा डायरेक्टली विंडोज की
प्लस अभी, ठीक है, विंडो की प्लस अभी हम प्रेस करेंगे तो जितने हमने कॉपी करके पहले कंटेंट रखे होंगे या फिर जो करंटली कॉपीड कंटेंट होगा वो हमें वहां पे प्रेजेंट हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, विंडो की प्लस अभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, फर्स्ट RDBMS इज डिजाइंड बाय, ठीक है, अब यहाँ पे बात हो रही है रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, ठीक है। जैसे हमने कल पढ़ा था कि DBMS जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं चार्ल्स बैचमैन ने इसको बनाया था फर्स्ट DBMS को, पर जब मैंने बोला था साथ में कि जब हम RDBMS की बात करते हैं तो फर्स्ट डिजाइन किया था EF कोड ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, द टर्म विच इज इंडिकेटेड टू शो द एक्स्ट्रा फीचर्स एडेड टू द सॉफ्टवेयर सच एज ब्राउजर इज कॉल्ड, ठीक है। अब इसको क्या बोलते हैं हम, या तो एक्सटेंशन बोलते हैं या फिर एड ऑन बोलते हैं, ठीक है। जैसे मुझे कोई एक्सटेंशन, जैसे मुझे क्रोम में जाते हैं, ठीक है, क्रोम में जाके हम क्या कर सकते हैं, एक्सटेंशंस को ऐड कर सकते हैं। जैसे हमारे, जैसे हम ऐड वो इंस्टॉल करते हैं ताकि हमारे एड्स ना आए, ठीक है। तो ये सारी सारे क्या एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, ठीक है, तो ये डील करते हैं हमारे ऐड ऑन या फिर एक्सटेंशन से, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, प्लगइन्स भी बोलते हैं, ठीक है। इसके तीन नाम है, या तो आप इसको प्लगइन बोल लो, ठीक है, या तो इसको ऐड ऑन बोल लो, ठीक है, या तो इसको आप एक्सटेंशन बोल लो, ठीक है। ये तीनों के तीनों क्या नाम, इसी के नाम है, मतलब जो एक्स्ट्रा फीचर्स हमें ऐड करके देते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच फॉर्मेट इन मेल हैज पिक्चर्स एंड ग्राफिक्स अटैच्ड बट नॉट इंसिस्ट, ठीक है। अब इसके बोलने का मतलब है कि उसमें हम पिक्चर और ग्राफिक अटैच तो कर सकते हैं, पर जैसे हम इमोजी वगैरह यूज करते हैं, ठीक है, मतलब इमोजी वगैरह हम डायरेक्टली मैसेज के साथ यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कौन सा फाइल फॉर्मेट था, वो डायरेक्टली होता हमारा TXT, ठीक है। अगर पूछा होता कि विच फॉर्मेट इन मेल हैज पिक्चर एंड ग्राफिक अटैच, ठीक है, तो डायरेक्टली उसको हम डायरेक्टली यूज भी कर सकते हैं, जैसे इमोजी वगैरह यूज करते हैं तो हम यूज करते हैं RTF का, ठीक है। जो ये मेन दो फाइल फॉर्मेट्स है जो हम यूज करते हैं जब मेलिंग की बात करते हैं, ठीक है। रिच टेक्स्ट फॉर्मेट इसका फुल फॉर्म होती है RTF की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ दीज इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ VOIP, ठीक है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो हमने इसमें इसकी फुल फॉर्म में दे रखा है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। अब यहाँ पे हम ऑडियो की प्लस वीडियो की दोनों की बात करते हैं, जिसमें हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, किसी भी एप्लीकेशन से हेल्प से बात कर सकते हैं किससे, ठीक है। तो व्हाट्सएप पे हम वीडियो कॉल ऑडियो कॉल कर सकते हैं, ठीक है, टेलीग्राम पे भी कर सकते हैं, ठीक है, और मैसेंजर, मतलब जो फेसबुक का मैसेंजर है उस पर भी हम क्या कर सकते हैं, ऑडियो या वीडियो कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो इंस्टा मोड जो क्या है, एक हमारा जहाँ एक पेमेंट गेटवे है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं, ठीक है। तो उसका ऑप्शन में क्या आएगा, सी करेक्ट। फिर नेक्स्ट आ गया, इन एन ईमेल एड्रेस द करेक्टर्स फॉलोड एट द रेट करेक्टर रिप्रेजेंट, ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्टली कोई एग्जांपल ले लेते हैं, ऐसे xyz@gmail.com, ठीक है। तो अब ये पूछा है कि इसके अलावा जो जो इसको फॉलो करता है, एट द रेट के आगे फॉलो करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, सारा सामान हमारा डोमेन नेम बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या आएगा, सी करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ गया हमारा, फिलिंग द ब्लैंक्स इज एन अटेम्प्ट वेयर अ हैकर ट्राइज टू डाइवर्ट नेटवर्क ट्रैफिक टू अ बोगस साइट, ठीक है। अब इसके बोलने का मतलब है कि एक पर्सन क्या कर रहा है, एक हैकर है, ठीक है, एक हैकर यहाँ पे सेंटर जैसे में बैठा है और यहाँ पे बड़े सारे मल्टीपल यूजर क्या कर रहे हैं, वेबसाइट को किसी को सर्फ कर रहे हैं, ठीक है। पर हैकर क्या कर रहा है, डायरेक्टली इनका जो लिंक है वो कहीं और पे सेंड कर रहा है, किसी और सर्वर के ऊपर, ठीक है। तो इस टाइप ऑफ अटैक को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फार्मिंग करना, ठीक है, इसको बोलते हैं फार्मिंग करना, ठीक है। उसका फिशिंग क्या होता है, फिशिंग हम क्या कहते हैं, एक वेबसाइट की तरह दिखने एग्जैक्टली वेबसाइट बना देते हैं, कि जैसे एक वेबसाइट है कोई अमेजोन की वेबसाइट है, उसकी एक रेप्लिका मैं बना लेता हूँ, ठीक है। तो उसमें हम क्या करते हैं, यूजर को बोलते हैं अपना यूजर नेम और आईडी वहां पे इंसर्ट कर, ठीक है, और उससे हम उसकी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेते हैं, ठीक है। उस चीज को बोलते हैं फिशिंग स्कैम। पर यहाँ पे पूछा है कि जब हम एक हैकर क्या करता है, डाइवर्ट कर देता है नेटवर्क ट्रैफिक को किसी दूसरी साइट के ऊपर, तो उसको बोलते हैं फार्मिंग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ठीक है, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतने थे।